2024 लोकसभा इलेक्शन के करीब गोदी मीडिया की दुकान बंद होने का अंदेशा नजर आ रहा है। हाल ही में इंडिया अलायंस मीडिया कमेटी ने 14 सबसे बड़े गोदी मीडिया दलालों का बाइकआउट कर ये संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी बीजेपी की दलाली में झूठी खबरें चलाएगा तो उसका बाइकआउट कर एक्शन लिया जाएगा। कर्नाटका में सुधीर चौधरी और आज तक न्यूज चैनल के खिलाफ नॉन अवेलेबल केस बुक कर इसकी शुरुआत की गई है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने होम मिनिस्टर जी परमेश्वर और कर्नाटका के टॉप पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर फेक न्यूज चलाने वाले टीवी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया चैनल्स पर 100 मोटा केस बुक कर एक्शन लेने का आदेश दिया है। कर्नाटका में पुलिस को भी अख्तियार दिया गया है कि बिना किसी कंप्लेंट के किसी भी फेक न्यूज पर केस बुक कर एक्शन ले सकती है। अपने आप को गौरक्षक या किसी भी कट्टरपंथी संगठन से जोड़कर सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले और किसी भी धर्म को गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस और दीगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अब यह समझ आ गया है कि इलेक्शन जीतना है तो बीजेपी से पहले उन न्यूज चैनल से लड़ना जरूरी है जो इलेक्शन के टाइम झूठ और नफरत फैलाकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के डायरेक्शन पर अब न्यूज चैनल्स के साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज फैलाएंगे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन। 2024 लोकसभा इलेक्शन के करीब गोदी मीडिया की दुकान बंद होने का अंदेशा नजर आ रहा है।